वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज का दोहा है, अच्छे दिन पाछे गए, हरी से किया न हेट, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि हर कार्य का अपना एक उचित समय होता है। अगर उस कार्य को आप उस समय में नहीं करेंगे तो या तो वो कार्य समाप्त हो जाएगा यानी कि नष्ट हो जाएगा, या वो ऐवे चला जाएगा, वो किसी काम का ही नहीं रहेगा। इसी में कबीरदास जी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक चिड़िया है आपके खेत में आके वो आपके दाने चुग रही है, यानी कि जो आपने बीज बोए हैं उसको खा रही है। और अगर आप उस समय उसको नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आपका पूरा जो खेत है उसमें कुछ अनाज या जो भी आपने लगाया वो लगेगा ही नहीं। तो आप अगर उस समय उस चिड़िया को रोकने जाएंगे जब आपका खेत पूरा का पूरा नष्ट हो गया है तो क्या उसका कोई लाभ होगा? नहीं। कबीरदास जी इन दिस कपलेट नरेट्स दैट ईच वर्क ईच थिंग हैज़ इट्स ओन टाइम। सो इफ़ यू डोंट कम्प्लीट दैट पर्टिकुलर थिंग और वर्क इन दैट पर्टिकुलर टाइम, इट विल ईदर गेट वेस्टेड और इट विल गेट डिस्ट्रॉयड। Here he gives an example of a bird in a farm. He says that if a bird is eating your seeds or the saplings in your farm, if you are not stopping it or taking precautions to stop that thing from happening, what will happen? Your farm will get destroyed. Now, if your farm is destroyed now, if you wish to stop it, stop the birds, there's no use because your seeds have already been eaten by the bird. Do works on time